हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट वर्ल्ड न्यूज इन हिंदी। बैंक का दरवाजा खुलते ही चौंक गए लोग, सुरंग खोदकर करोड़ों ले उड़े चोर। नवी मुंबई में फिल्मी स्टाइल में बैंक लूटने का मामला सामने आया है। यहां जोइंगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में चोरों ने सुरंग खोदकर करोड़ों रुपए और लॉकर में रखे सोने चांदी के गहने चुरा लिए। सोमवार को जब कर्मचारी बैंक खोलने पहुंचे तो हैरान रह गए। पुलिस को शुरुआती जांच में पता लगा है कि चोरों ने बगल की दुकान से करीब 30 फीट लंबी सुरंग खोदी और बैंक में दाखिल हुए। इसके बाद 225 में से 30 लॉकर तोड़कर करोड़ों रुपए चुरा लिए। बताया जा रहा है कि बैंक के बगल की दुकान किराए पर दी गई थी। घटना के बाद से दुकान में रहने वाले लोग फरार हैं। पुलिस को शक है कि इस लूट के पीछे झारखंड की टोली का हाथ है। इस बारे में बैंक में खाताधारक रूपाली अरागले ने बताया कि वह सुबह अपना लॉकर खोलने के लिए आई थी। इसी दरमियान बैंक कर्मचारियों ने लॉकर रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा खुलने में अटक रहा था। इसके बाद कुछ अन्य साथियों की मदद से दरवाजा खोला गया तो वहां लूट होने के बारे में पता लगा। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। जब पुलिस ने सुरंग के अंदर जाकर देखा तो उसका दूसरा छोर बगल की एक दुकान में खुला था। बताया जा रहा है कि बैंक भक्ति रेसिडेंसी नाम की इमारत में है। इस इमारत के ताल में दुकानें, एटीएम और बैंक है। 30 फीट की दूरी पर वह दुकान है जिसमें से सुरंग खोदी गई थी। बताया जा रहा है कि दुकान शरद कोठावले की है। उन्होंने गेना प्रसाद नाम के शख्स को इसे किराए पर दिया था। जांच में पता लगा कि दुकान में पिछले 5 माह से चोर खुदाई कर रहे थे। सुरंग ढंग से नहीं, इसके लिए चोरों ने बल्लियां और प्लाई लगाई थी। इस बारे में मुंबई पुलिस के सुधाकर पठारे ने बताया कि सुरंग खोदकर लूट करने वाला गिरोह झारखंड का हो सकता है। इस इलाके में गिरोह के सक्रिय होने के इनपुट भी मिले थे। पुलिस को जाँच में कई सबूत मिले हैं जिससे आरोपियों तक आसानी से पहुँचा जा सकता है।